प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष शीतला प्रसाद यादव की मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा जिन्होंने एलटी जैसे विज्ञापन को लेकर के एक बड़ी बात कही। यह वीडियो उनके मुंह पर जोर का तमाचा होगा जो लोग ये कह रहे हैं कि एलटी जीआईसी का नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पर कार्रवाई चल रही है, सिर्फ और सिर्फ समकक्ष अहर्ता विवाद बीच में अटका हुआ है जिसको लेकर के ये विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। अब मैं आपको वो क्लिप सुनाने जा रहा हूं, आपसे निवेदन है कि इस क्लिप को पूरा सुनना, तभी आपको एक एक बात समझ में आएगा, एक एक सब समझ में आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से मैं बताना चाहता हूँ कि वहां से स्पष्ट आश्वासन उन्होंने ये दिया कि हम पत्राचार कर रहे हैं, बहुत जल्द एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन आपके कदमों के नीचे होगा। कि उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि समकक्ष अर्थ का निस्तारण 15 से 20 दिन अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा साल होने में, उसके बाद विज्ञापन जारी हो सकेगा। चूंकि आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं है, चूंकि लोक सेवा आयोग स्वायत्त संस्था है, तो मैं नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके संगठन। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि आचार संहिता में लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन जारी नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बातों को गलत सुन रहे हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये अपना विज्ञापन भी जारी करा सकती है, चाहे आचार संहिता हो या ना हो। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है, आपने सुना भी होगा वीडियो में, इन्होंने कहा है कि जो भी समकक्ष अहर्ता विवाद है वो 20 से 30 दिन के अंदर खत्म कर दिया जाएगा शासन स्तर की ओर से। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा जो नया विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लगभग 5 से 6 साल बीत चुके हैं हमारे एलटीजीआईसी के विज्ञापन को जारी हुए बिना। तो यदि समकक्ष अहर्ता विवाद खत्म हो जाता है तो हमारा एलटीजीआईसी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।